हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर मंडे विच इज 17th of Feb 2020। दोस्तों, मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 16 फेब, 7:30 हुए हैं। तो लेट अस डिस्कस अवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग प्लान फॉर मंडे सेशन। फ्राइडे की चार्ट को अगर हम देखते हैं, फ्राइडे निफ्टी फ्यूचर्स में जबरदस्त हाई से जो है फॉल हुआ, डे हाई से एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे एक फॉल हुआ है। एज यू कैन सी फ्रॉम 12,240 टू 12,100, ये जो -150 पॉइंट का कट आया है, दिस टुक ट्रेडर्स ऑफ गार्ड। इसने काफी लोगों को सरप्राइज किया होगा, पर जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, मॉब लेवल को फॉलो करते हैं, उनको यहीं पे एक सेल ट्रेड मिल गया होगा जब आपका मॉब लेवल के नीचे आ गया। फ्राइडे के लिए मैंने दोस्तों कहा था कि 12,200 का लेवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12,000 के ऊपर बुल्स जिंदा हैं, 12,200 के नीचे बेयर्स तबाही मचा देंगे। तो जिसने भी ये लेवल फॉलो किया होगा, उसने डेफिनेटली एटलीस्ट लॉस तो नहीं किया होगा, ये मेरा मानना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रेड प्लान फॉर मंडे, बिकॉज व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे doesn't matter now. So let us see intraday chart of Nifty futures. So based on Friday's price action, for Monday, I have decided to keep mob level as 12,170. So please note that this is futures level, not spot level. 12,170, this is the make or break level for Monday. Make or break level वो होता है जो trend deciding level होता है, यानी कि अगर ये 12,170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन वी विल लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। अगर ये 12,170 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे ही ट्रेड है, तो हमारा बायस एक बेरिश हो जाता है, वी लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड और लॉन्ग ट्रेड हम अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, मंडे के लिए जो है मॉब लेवल इज 12,170, इस लेवल को ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि यहीं पे जो है एक वीवैप भी है फ्राइडे का, यहीं पे थर्सडे की पूरी एक्टिविटी हुई थी, यहीं पे वेडनेसडे को गैप अप हुआ था और यहीं से ट्यूसडे को भी फॉल हुआ था और यहीं पे आरबीआई का हाई भी था। सो ये लेवल मैं बहुत ही केयरफुली निकालता हूं ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी हेल्प मिल जाए इंट्राडे ट्रेडिंग में, और एटलीस्ट एक बायस मिल जाए, एक दायरा मिल जाए कि किसके ऊपर लॉन्ग है या इसके नीचे शॉर्ट है। तो अप्रोच यही होता है मेरा, एंड एक ये शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि वेदर मार्केट इज इन वीकनेस और मार्केट इज इन स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। सो फॉर मंडे द मॉब लेवल इज 12,170, इफ प्राइसेस आर सस्टेनिंग अबाउट दिस, तो ऊपर में एक ही टारगेट में दूंगा, वो है 12,200 का, एंड I do not expect market to go past 12,200 tomorrow. At least tomorrow तो नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अंदाजा है। Now, downside में Nifty futures के लिए एक ही target है, minimum 12,082, which is very close, and second target is 12,033. दोनों ही logical targets है दोस्तों। पहली बात तो ये gap पूरा है, तो gap का higher portion है 12,082, लोअर पोर्शन है 12,033, तो ये जो एक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का गैप है, ये पूरा गैप फिलिंग की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों का, तो ये आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह भी दिखाई देगा, विच इज लुकिंग लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, विच मीन्स इट्स अ बेरिश हेड एंड शोल्डर, एंड दिस एंटायर हेड एंड शोल्डर इज फ्लोटिंग अबाउट दिस गैप, विच मेक्स इट वेरी ससेप्टेबल टू फॉल, राइट? ये वल्नरेबल है। यहाँ अगर कुछ कैंडल्स होते तो थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता, बट यहाँ पे कोई पिलर नहीं है, ये पिलर हवा का है, सो इसको नीचे गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्सक्यूज मी, सो दिस इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर मंडे। बायस इज क्लियरली नेगेटिव, जब तक बाजार 12,170 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हम शॉर्ट ट्रेड ही करेंगे। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द थ्री सिनेरियोस। अगर बाजार फ्लैटिश ओपन होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेट इट टेक रेजिस्टेंस नियर द मॉब लेवल एंड देन वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग, स्टॉप लॉस रखेंगे 12,200 का। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करती है तो आपको फ्राइडे के लो को ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर बाजार ये करता है कि नीचे
फ्लैट ओपन, सपोज फ्लैट ओपन यहां करता है और फ्राइडे की लो को थोड़ा सा ब्रेक करके वापस अंदर आ जाएगा, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि यहां पे एक बेयर ट्रैप बाजार बना देता है, जो लोग लेट शॉर्टिंग करने आते हैं उनको ट्रैप कर लेता है बाजार एंड मार्केट मूव्स अपसाइड। ओके, तो अगर सपोज फ्लैट खुलता है और आप फ्राइडे के लो को थोड़ा सा ब्रेक करता है, आप शॉर्ट कर देते हो, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर वो जल्दी फ्राइडे के लो के अंदर आ जाता है तो बी केयरफुल, अपने शॉर्ट को काटना शुरू कर दो। ओके, सो ये सिनेरियो नंबर टू है। नाउ द प्रिफर्ड सिनेरियो फॉर अ शॉर्टर इज दैट मार्केट ओपन्स गैप डाउन। अगर सपोज मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है 40-50 पॉइंट की, सपोज इफ इट ओपन्स बिलो द फ्राइडे लो, तो उसका ये संकेत होगा कि इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड डे ऑन द डाउन साइड। तो आप उसको बाय मत करिए, रादर यू वेट फॉर अ रीटेस्ट ऑफ दीज लेवल्स एंड यहाँ पे आप जो है शॉर्टिंग की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस विल बी वेरी प्रॉफिटेबल। सो यहाँ पे आप शॉर्ट करिए, एक आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए। यू कैन चूज अ स्टॉप लॉस ऑफ फ्राइडे क्लोजिंग, फ्राइडे क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप छुपा सकते हैं एंड जब तक बाजार आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है आप इसको राइड कर सकते हैं एंड यू विल सक्सेसफुली गेट दिस 50 पॉइंट्स। हो सकता है आपको 11,980 का भी लेवल देखने को मिले, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग करके ट्रेंड डे में कन्वर्ट होता है तो आपको 11,980 का लेवल भी कल देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दी थ्री पॉसिबल सिनेरियोस, फ्लैट में क्या करना है, गैप अप में क्या करना है और गैप डाउन में क्या करना है। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। आई विल कम लाइव टुडे एट 10:30 PM, सो एट दैट टाइम आई विल डिस्कस द लार्जर पर्सपेक्टिव कि डेली चार्ट के हिसाब से इस पूरे वीक का पर्सपेक्टिव क्या होगा, पूरे वीक की रेंज क्या होगी, मिड पॉइंट क्या होगा एंड ऑल दोज थिंग्स आई विल डिस्कस व्हेन आई कम लाइव। सो डू अटेंड द लाइव सेशन, इट इज वेरी एजुकेशनल इन नेचर एंड इट हेल्प्स ट्रेडर्स लाइक यू टू मेक मनी टू सर्वाइव इन दिस मार्केट टू अ लार्जर एक्सटेंट। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं 10:30 PM रात को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, and let's meet tonight. Take care. Bye-bye.